हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज मोहित बंसल वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस स्टूडेंट्स आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल 2022 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर नंबर 20 ए जिसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन बच्चों आज ये इस सब्जेक्ट की पहली क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास है आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे कि आखिर आपका ये जो सब्जेक्ट है ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं कितना पोर्शन हमें थ्योरिटिकल वे में इंपॉर्टेंट होता है और कितना पोर्शन प्रैक्टिकल वे में इंपॉर्टेंट होता है और इस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है पूरा इंट्रोडक्शन आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं देखिए जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस सब्जेक्ट का जो नाम मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन पेपर नंबर ट्वेंटी हम इसको शॉर्ट में प्यारे बच्चों एसपीएम एंड बीवी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स आपका यह सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए है एसपीएम जिसके अंदर हमें ये स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ना होता है जो कि फिफ्टी मार्क्स का है और इसके अंदर टोटल फोर चैप्टर्स आते हैं अभी मैं पूरा बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और आपका सेकेंड जो पार्ट है पार्ट बी उसका नाम है बिजनेस वैल्यूएशन वो भी फिफ्टी मार्क्स का है उसके अंदर टोटल पांच चैप्टर्स आते हैं तो ओवरऑल आपके इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल मिलाकर नौ चैप्टर हैं और आपका ये सब्जेक्ट पूरा आपका हंड्रेड मार्क्स का है दो पार्ट्स में डिवाइड है पार्ट ए पार्ट बी एसपीएम एंड बीबी अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है आखिर इसके अंदर आपने बताया चार चैप्टर हैं कौन कौन से चैप्टर हैं एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल से डिफरेंट कैसे है उसके अलावा कंपनी पर्फौर्में के परफॉर्मेंस को अगर हमें मेजर करना है तो हमारे पास में क्या क्या टूल्स है उसको एवेल्युएट करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए जो फर्म्स होती हैं हमारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन उनकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे है और उनके अंदर क्या क्या रिस्क रहती है कैसे उसे, उसे ओवरकम किया जा सकता बच्चों ये जो आपका एसपीएम पार्ट है पार्ट ए एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसके अंदर ये चार चैप्टर है ये मोस्टली थ्योरी होता है हा इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम के अंदर भी आते हैं और ज्यादातर चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर से आते हैं ऑल न्यू सिलेबस के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वन और चैप्टर टू के एंड में भी मामूली दो या तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं पर एग्जाम के अंदर वो नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर आने वाले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं पार्ट ए एसपीएम के अंदर वो मोस्टली चैप्टर थ्री और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर फोर के अंदर है और बहुत कम प्रैक्टिकल पार्ट है मोस्टली थ्योरी पार्ट है फिफ्टी मार्क्स का फिर आता है आपका बिजनेस वैल्यूएशन जो कि आपका पार्ट बी है इसके अंदर मैंने आपको बोला टोटल पांच चैप्टर हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर मैंने आपको बोला टोटल पांच चैप्टर हैं एक तो बिजनेस वैल्यूएशन का क्या मीनिंग होता है बेसिक्स वो पढ़ना होता है एक होता है लॉज एंड कंप्लाइंस इन बिजनेस वैल्यूएशन बेसिकली जो आपका पेपर नंबर थर्टीन है सीएमए फाइनल के अंदर लॉ सब्जेक्ट उसके चार से पांच चैप्टर को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो बिजनेस वैल्यूएशन का सिक्स्थ चैप्टर है क्लियर है चीज उसके अलावा प्यारे बच्चों इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर कम से कम तीस से पैंतीस नंबर एग्जाम के अंदर एटलीस्ट मिनिमम कम से कम तीस से पैंतीस नंबर का आता ही आता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल वो है ये तीन सब्जेक्ट वो है ये तीन चैप्टर तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि आखिर इस सब्जेक्ट का नाम क्या है से ये सब्जेक्ट टोटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ओवरऑल नाइन चैप्टर्स हैं। पार्ट ए एसपीएम में फोर चैप्टर्स हैं। पार्ट बी बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर फाइव चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने सब समझाया पर यह नहीं बताया कि यह सब्जेक्ट क्या है क्यों पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को और क्या पढ़ना होता है इस सब्जेक्ट के अंदर अब हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे की सबसे पहले मैं बात करूंगा एसपीएम बच्चों एसपीएम के अंदर जो हम चारों चैप्टर पढ़ते हैं ना उसका ओवरऑल कंक्लूजन या ओवरऑल जो पर्पज है वो एक है कि जो कंपनी है आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो या कॉरपोरेशन बोलते हो अगर उसके अंदर काम सही ढंग से करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी प्रॉपरली काम करे प्रॉपरली जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उसे इनकॉर्पोरेट कमेंस किया गया है वो उसको अचीव करने के लिए काम करे उसके लिए जरूरी है कि कंपनी के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए उसके लिए जरूरी है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको काम दिया जाए कि भैया आपको यह काम दिया जा रहा है सात दिन दस दिन पंद्रह दिन के अंदर अंदर आपको यह काम करने का है समझा दो उनको कि यह काम इस तरह से होता है ट्रेनिंग दे दो फिर उनको काम अलॉट करो और उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करो और अगर परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद में अच्छी आती है तो उनको अप्रेजल दो उनका मोटिवेशन हो जाएगा और अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब आती है तो फिर टूल्स यूज करो ताकि कंपनी के एम्प्लॉयज की एंड कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके तो ओवरऑल प्यारे बच्चों ये जो हमारा एस है ना ये चारों चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत मजेदार चैप्टर है और रियल लाइफ में आप इसके एग्जाम्पल देख पाओगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर ये तो हम बिग बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ऐसा होता है सर हमारे साथ में ऑब्वियसली ये तो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया एसपीएम के अंदर हमें यही पढ़ना है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या रिस्क होती हैं उन रिस्क को कैसे कवर अप किया जा सकता है फिर आता है प्यारे बच्चों आपका बिजनेस वैल्यूएशन नाम सजेस्ट करता है इसका मीनिंग एक बिजनेस का एक कंपनी का वैल्यूएशन करना उसकी वैल्यू निकालना सर क्यों निकाल रहे हो किसी बिजनेस की वैल्यू या तो कंप्लीट पूरे के पूरे बिजनेस की वैल्यू निकाल रहे हो या फिर उस बिजनेस के अंदर पर्टिकुलर शेयर्स की डिवेंचर्स की बॉन्ड्स की वैल्यू निकाल रहे हो क्यों निकाल रहे हो यार दोस्त क्यों निकाल रहे हो भाई आप कंपनी की वैल्यू सर बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं जिसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है कंपनी की वैल्यूएशन करने का कंपनी की वैल्यू निकालने का ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है सर ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी मर्जर कर रही है सपोज कीजिए सर कि टाटा कंपनी अगर किसी और को जैसे टाटा कंपनी ने एक दूसरी कंपनी थी वन एम मेडिकल की मेडिसिन की फील्ड में अच्छा काम कर रही थी तो टाटा कंपनी इसको अपने अंदर मर्ज करना चाहती थी टेक ओवर करना चाहती थी बेसिकली इसका टाटा कंपनी वन एम का टेक ओवर करना चाहती थी तो टाटा कंपनी ने पहले इसकी वैल्यू निकाली कि मार्केट में इसकी वैल्यू एक्चुअली में है कितनी और जब इसकी अच्छी खासी वैल्यू आई तो इसका टेक ओवर किया ऐसा होता है ऐसा होता है आज अगर मुझे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं उसका वैल्यूएशन कराऊंगा अगर वो कंपनी बाइंड अप करनी है बंद करनी है तो उसका वैल्यूएशन कराया जाएगा अगर उस कंपनी को किसी और के अंदर मर्ज करना है तो वैल्यूएशन कराया जाएगा अगर वो कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है तो वैल्यूएशन वैल्यूएशन कराने के तो बहुत सारे पर्पज है किसी भी बजे किसी भी सरकमस्टांस के अंदर एक कंपनी के बिजनेस का वैल्यूएशन कराया जा सकता है जो कि एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर करता है हम इस बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर शुरू के जो दो चैप्टर हैं वो तो थ्योरी चैप्टर हैं चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स लेकिन बाकी के जो तीन चैप्टर हैं चैप्टर चैप्टर ये चैप्टर्स पूरे प्रैक्टिकल हैं थ्योरी से कोई बाय चांस एमसीक्यू आ जाता है तो अदरवाइज अलग बात है अदरवाइज नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और हम इसको उसी तरीके से पढ़ते हैं स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया आपने बोला स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन सब्जेक्ट पेपर नंबर ट्वेंटी ए दो हजार बाईस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं ये दो पार्ट में डिवाइड है पार्ट ए फिफ्टी मार्क्स का है एस पार्ट बी वो भी फिफ्टी मार्क्स का है बिजनेस वैल्यूएशन ओवरऑल नाइन चैप्टर्स हैं बिजनेस वैल्यूएशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके गॉट इट सर गॉट इट नो प्रॉब्लम सर हम इसको पढ़ेंगे कैसे या आप हमें किस तरीके से पढ़ाने वाले हो हम बच्चों सीएमए के मॉड्यूल को फॉलो करते हुए चलेंगे क्योंकि देखो सीएमए के बच्चों का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल या डॉक्यूमेंट है वो उनका मॉड्यूल है जो सीएमए इंस्टीट्यूट देता है उसके बाहर से बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन आने के हालांकि आज आते हैं कभी कभी क्वेश्चन लेकिन बहुत कम आते हैं और बहुत कम मार्क्स के आते हैं वरना मोस्टली मॉड्यूल के अंदर से क्वेश्चन पेपर उठ के आता है अगर कोई पर्चा मॉड्यूल अच्छे से पढ़कर चला जाए तो गारंटी है कि उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता इवन उसे एग्जामेशन भी वो लेकर आ जाए तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है कोई सरप्राइज नहीं होगा तो हम सीएमए मॉड्यूल को फॉलो करते हुए चलेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चैप्टर वन है चैप्टर वन के अंदर मॉड्यूल में जितना कॉन्टेंट दिया हुआ है हम पूरा का पूरा कॉन्टेंट पढ़ेंगे हाँ अपनी इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे हम वही जो मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है बस हम एग्जाम्पल के साथ में उसको पढ़ेंगे सारी मेरी बात समझू और उसके अलावा प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं जब हम बिजनेस वैल्यूएशन पर आ जाएंगे SPM तो पूरा का पूरा मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली एज इट इज चलेगा हमारा हमारा जो जो गीता है, है, है। हमारी जो बाइबल, कुरान है, वो मॉड्यूल उसको करते चलेंगे बस जो लास्ट के तीन चैप्टर आपके आते हैं जो न्यूमेरिकल चैप्टर जो स्टडी मटेरियल है 2022 सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे लेकिन उसके अलावा प्रीवियस ईयर में जो आप पहले जो आपका स्टडी मटेरियल था 2016 हजार सिलेबस का उसको भी पढ़ेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो क्या हमारे पास कोर्स की कमी है क्या 2022 सिलेबस जो है वो इनफ नहीं है हमें पढ़ने के लिए आप एक और हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हो कि दो तो सिलेबस का मेटेरियल भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इन चैप्टर्स के लिए सिर्फ तीन चैप्टर्स के लिए एक्चुअली में क्या है ना ये तीनों चैप्टर ओल्ड सिलेबस में भी थे और एज इट इज जैसा न्यू सिलेबस में है वैसा ही थे थोड़ा ही बहुत डिफरेंसेस थे थोड़ा बहुत अलग था अब क्या है प्यारे बच्चों एक्चुअली में न्यू सिलेबस के अंदर ना ये तीनों चैप्टर अनसिस्टमेटिक अन मतलब सिस्टम नहीं है कोई स्टोरी नहीं है कोई कहीं भी कोई भी चीज उठा के दे दी गई है तो अगर उसे न्यू मॉड्यूल के हिसाब से न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से अगर एज इट इज पढ़ने लग जाए तो बच्चे को समझाना कठिन हो जाएगा कहानी नहीं बन पाएगी इंटरेस्ट नहीं आएगा मजा नहीं आएगा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगे इसलिए कॉन्सेप्ट्स को हर तरीके से क्लियर करने के लिए हम न्यू सिलेबस का एक एक चीज पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल का अपने एक सिलेबस में कोर्स में बट हम ओल्ड सिलेबस का भी पढ़ेंगे क्योंकि ना न्यू सिलेबस के एग्जाम में देखा गया है कभी-कभी कोई कैसा क्वेश्चन उठ के आ जाता है जो न्यू सिलेबस का पार्ट नहीं है ओल्ड सिलेबस का पार्ट है मैं आपको बताऊं लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ऐसा हुआ था लास्ट अटेम्प्ट के अंदर हमने न्यू सिलेबस का पूरा सब कुछ पढ़ाया सीएमए मॉड्यूल का लेकिन एग्जाम से पहले जब सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपना एमक्यूपी रिलीज किया मॉक क्वेश्चन पेपर जब रिलीज किए तो हमने देखा कि यार इसके अंदर दो क्वेश्चन वो हैं जो न्यू सिलेबस का पार्ट ही नहीं है ओल्ड सिलेबस में था लेकिन पूछा गया है कहीं फाइनल एग्जाम के अंदर पूछ लिया तो हमारा बच्चा तो वैसे ही बेटर रह जाएगा इसलिए हमने बोला न्यू सिलेबस पूरा पढ़ेंगे ओल्ड का भी कुछ पार्ट पढ़ लेंगे ताकि जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठेगा टू श्योर sure होगा तो प्यारे बच्चों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर आपका ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कितने चैप्टर्स हैं क्या क्या पढ़ना होता है इसके अंदर कहाँ प्रैक्टिकल है कहाँ थियोरिटिकल है और हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और मैं आपको दोबारा से बता दूं हम मॉड्यूल तो पूरा पढ़ेंगे लेकिन मॉड्यूल के हर टॉपिक को हम अपनी लैंग्वेज में इजी करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से मजा आए तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट क्लास से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले हम एस पी एम पार्ट ए स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और इस तरीके से आगे चलता रहेगा तो मिलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर टिल देन थैंक यू टेक केयर मेरे प्यारे बच्चे